नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था 2 दिन पहले। अभी उनका लेटेस्ट बयान आया है और वो ट्विटर स्टार विवेक अग्निहोत्री को मुश्किल में डालने वाला है। नाना पाटेकर वाले मामले में उनका कहना था कि किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने जब उनसे घटिया बातें की तो एक्टर इरफान और सुनील शेट्टी ने तनुश्री का साथ दिया था। ये बात तनुश्री दत्ता ने डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में कही। तनुश्री दत्ता के मुताबिक पूरी घटना इस प्रकार है। साल 2005 था, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म चॉकलेट डीप डार्क सीक्रेट्स शूट हो रही थी। तनुश्री दत्ता के अलावा फिल्में इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, इरफान और अनिल कपूर भी थे। एक्टर इरफान का एक सीन शूट हो रहा था जिसमें उन्हें डांस करती हुई तनुश्री को देखकर एक्सप्रेशन देने थे। क्लोजअप शॉट था, फ्रेम में तनुश्री नहीं दिखने वाली थी। तनुश्री के मुताबिक डायरेक्टर, यहाँ पर वो नाम नहीं लेती हैं लेकिन कहती हैं, डायरेक्टर ने कहा जाओ कपड़े उतार कर नाचो, उसको क्यूज दो। तनुश्री के मुताबिक इरफान ने सुना तो तुरंत विवेक को रोका, कहा कि मुझे फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए ज़रूरत नहीं कि वो कोट उतार कर मेरे सामने नाचे, मुझे एक्टिंग आती है, मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, मुझे किसी से क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है। सुनील शेट्टी भी वहाँ थे, वो भी ये बात सुनकर ऑफेंड हुए, कहा मैं आऊँ क्या वहाँ पर क्यूज देने के लिए। तनुश्री दत्ता के मुताबिक इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, इरफान और सुनील शेट्टी बोले। तनुश्री ने डायरेक्टर का नाम नहीं लिया लेकिन ये तो सबको पता है ही कि विवेक अग्निहोत्री की जो 6 फिल्मों की फिल्मोग्राफी है उसमें से एक फिल्म चॉकलेट भी है जो कि एक और हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड बताई जाती है। 2 दिन पहले तनुश्री दत्ता ने जूम टीवी को इंटरव्यू दिया था जिसमें बोला था कि 10 साल पहले फिल्म हार्ड ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनसे बदतमीजी की, सेक्सुअली हरास किया। उस इंटरव्यू पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि नाना पाटेकर ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह नकारा है, बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सेट पर मैं अकेला नहीं था, 150 लोग और थे, फिल्म यूनिट से मुझे सपोर्ट मिल रहा है और इस मामले पर मैं अब कोर्ट का रुख करूँगा। नाना पाटेकर को भले उस फिल्म यूनिट का सपोर्ट मिल रहा हो लेकिन तनुश्री दत्ता भी बिना सपोर्ट के नहीं है। भले उनकी शिकायत हो कि 10 साल पहले उनके लिए कोई नहीं बोला लेकिन अब लोग उनके साथ खड़े हैं। पत्रकार जेनी सिक्वेरा ने ट्वीट किया है कि ये घटना 10 साल पहले की है। बदसलूकी के घंटे भर बाद ही तनुश्री ने उन्हें ये बात बताई थी। 10 साल बाद भी तनुश्री का बयान नहीं बदला है तो कैसे माना जाए कि ये झूठ है। जेनिस लिखती हैं कि वो उस वक्त आज तक चैनल में रिपोर्टर थी और वहाँ बाइट लेने गई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो कहा गया कि शूटिंग रोक दी गई है क्योंकि एक्ट्रेस सपोर्ट नहीं कर रही। जेनिस ने ट्वीट किया कि मैं देख रही थी तनुश्री सेट पर अपसेट थी, उधर नाना पाटेकर और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और एक आदमी बातचीत कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो फिल्म का प्रोड्यूसर था। 50 डांसर सेट पर इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हुई, नाना पाटेकर ने आकर ज्वाइन किया और फिर थोड़ी देर में तनुश्री सेट छोड़कर चली गई। उसी वक्त संयोग से तनुश्री के मम्मी पापा आ गए, उनकी कार पर हमला हुआ, विंडशील्ड तोड़ दी गई। मैंने उनका वर्जन लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे घर बुलाया जहां तनुश्री ने रोते हुए पूरी बात बताई कि नाना पाटेकर ने उनको गलत तरीके से छूने के इरादे से गाने में अश्लील डांस स्टेप्स डलवाए थे। 3 दिन की रिहर्सल के बाद शूट के दिन प्रोड्यूसर्स ने नाना पाटेकर के हिसाब से सीन बदल दिए थे। उसके बाद कुछ अजीब लगा तो मैंने शूटिंग छोड़कर खुद को वैनिटी वैन में बंद कर लिया था। जेनिस के कहने के बाद एक्ट्रेस सोनम कपूर भी तनुश्री दत्ता के साथ आ गई हैं और जेनिस को ही रिट्वीट करते हुए लिखा है कि तनुश्री पर मुझे भरोसा है, जेनिस मेरी दोस्त हैं, वो झूठ नहीं बोल सकती। इतना ही नहीं, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, ट्विंकल खन्ना, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर भी तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में उतर आए हैं। कुल मिलाकर बॉलीवुड इस मसले पर दो फाड़ हो गया है। देखना यह है कि कौन किसकी तरफ खड़ा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज है हमारा उसको लाइक कर लीजिए और अब हमारा ऐप भी आ गया उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।